ये स्टूडेंट्स और नाउ वी विल डिस्कस आर लेक्चर नंबर टू पार्ट ए पार्ट बी फोर्थ चैप्टर सेकंड फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। सो लेट्स स्टार्ट। ये स्टूडेंट्स नाउ टू वर्सेस सेटल लाइफ यानी स्थायी जीवन की ओर। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। फॉर इंस्टेंस इन अ बुर्ज होम इन प्रेजेंट कश्मीर पीपल बिल्ड पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप लीडिंग इनटू देम। सो स्टूडेंट्स एक्चुअली जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कई कुछ साइट्स पर जो हट्स और हाउसेस के कुछ ट्रेसेस भी उनको मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम है जो कि प्रेजेंट में कश्मीर में है। सो वहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें क्या बोलते थे, पिट हाउसेस। ओके, पिट हाउसेस उन्हें कहा जाता था और इनमें ना उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। सो दीज यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें आपको लिखा भी हुआ है, ये देखिए। सो विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, इसमें सीढ़ियाँ होती थी नीचे जाने के लिए। एंड दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। तो ये जो घर बने होते थे जो गड्ढे के नीचे बनाते थे, तो ये इन इससे ना उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, शायद ऐसा होगा, तभी वो नीचे बनाते थे कि उनको वो ठंड से बच सके। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स विच इज सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड इधर इंडोर और आउटडोर। सो स्टूडेंट्स और क्या होता था, और क्या उन्होंने पाया वहां पर कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही प्लेसेस पर आग जलाने की प्लेसेस जो है ना, जगह जो है वो मिली है। भाई ऐसा लगता है कि लोग जो है ना वो मौसम के अकॉर्डिंग घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, जैसा मौसम होता होगा उसके उसके अकॉर्डिंग वो या तो घर के अंदर इंडोर या आउटडोर वो अपना जो है फूड कुक करते थे। सो स्टोन स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। साथ ही वो कह रहे हैं कि जो स्टोन टूल्स यानी कि जो आपके कहते हैं पत्थर के जो औजार थे वो भी उन्हें मैनी साइट्स कई सारे साइट्स पर मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। अब वो ये कह रहे हैं इसमें कि जो उनको ये पत्थरों के औजार मिले हैं जो स्टोन टूल्स मिले हैं, सो इनमें से कई ऐसे हैं जो पैलियोलिथिक टूल्स से अलग हैं, भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नियोलिथिक पीरियड का माना जाता है। ओके, एंड दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। अब इनमें वे औजार वे टूल्स भी हैं जिनकी धार को और अधिक तेज करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। एंड मोर्टर्स एंड पेस्टल्स, बच्चे बच्चे मोर्टर्स होती हैं वो क्या, ये आपके जो घरों में भी पाए जाते हैं ना, ओखली और मूसल। तो मोर्टर्स मतलब ओखली और पेस्टल्स मतलब मूसल। जैसे घर में मसाले पीसने के लिए आपने देखा होगा, कई बार मूवीज में भी आप देखते हो, अगर घर में नहीं है तो आपने काफी जगह देखा होगा, तो पुरानी मूवीज में भी दिखाते हैं कि ओखली मूसल से जो है मसाले वगैरह लोग पीसा करते थे और आज के टाइम में भी कई जगह पे पीसते हैं। सो मोटर्स एंड पेसल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट्स प्रोड्यूस। तो उस टाइम पर वो ये कह रहे हैं कि एक तो वो पॉलिश चढ़ाई जाती थी अपने जो उनके टूल्स होते थे उनकी धार को तेज करने के लिए, और ओखली और मूसल का यूज जो है वो अनाज और जितनी भी वनस्पतियों से जो दूसरी चीजें जो उनको मिलती थी उनको पीसने के लिए इसका ओखली और मूसल का यूज किया जाता था। एंड मोटर्स एंड पैसल्स
मोटर्स एंड पेसल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टूडे. आज के टाइम में भी इवन हम मोटर्स एंड पेसल्स का यूज करते हैं. एंड सेवरल थाउजेंड ईयर्स ईयर्स लेटर के आज भी हम इनका यूज करते हैं. तो आप देखते होंगे कई जगह पर, कई कई जगह पे लोग जो है अपने घरों में उन्होंने रखी हुई है. और आज तो उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज एंड रिमेम्बर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन. उसी तरीके से जो उस टाइम के क्या थे, जो ये पैलियोलिथिक टूल्स थे, उनका निर्माण और उनका प्रयोग लगातार होता रहा है. और कुछ औजार तो बोन से भी बनाए जाते थे. डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये कुछ पिक्चर दी गई है, न्यू स्टोन टूल्स की पिक्चर दिखाई हुई है यहाँ पर. एंड मैनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड एंड दीज वर सम टाइम्स एट डेकोरेटेड एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स. अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी प्लेसेस से जो स्टोन्स के टूल्स हैं वो भी मिले हैं हमें. और इनमें से ऐसे सॉरी इसमें क्या बताया रहा है वो, मैनी काइंड्स ऑफ इदन पोर्ट्स हैव आल्सो बीन फाउंड. अब जो क्या थे कि जो और दीज वर सम टाइम डेकोरेटिव, कहते कहीं है ना पहले नव जो नियोलिथिक पीरियड के जो साइट्स हैं से कई प्रकार के ना मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं. और कभी कभी ना इन पर क्या किया जाते थे, दीज वर सम टाइम डेकोरेटेड, कई बार तो इनको ना डेकोरेटेड भी किया जाता था. एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स. और इनका यूज जो है, फिर इनका यूज किसके लिए किया जाने लगा, चीजों को स्टोर करके रखने के लिए किया जाता था. तो उनको लगता है कि ऐसा किया जाता था कि इनको ये डेकोरेट किया जाता था इन पोर्ट्स को, और इनको फिर स्टोरिंग थिंग्स को स्टोर करने के लिए किया जाता था. पीपल बिगेन यूजिंग पोर्ट्स फॉर कुकिंग फूड. लोग जो हैं फिर उन्होंने उन पोर्ट्स का यूज शायद खाना बनाने के लिए शुरू कर दिया होगा. स्पेशली ग्रेन लाइक राइस व्हीट एंड लेंटिल्स, जो मसूर की दाल होती है ना, वो तो दैट नाउ बिकेम एन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट. तो इन सब चीजों को ये बनाने में इसका इन बर्तनों का यूज किया जाता था. ठीक है, जैसे कि आप अनाज के रूप में आप गेहूं चावल या जो आपकी दलहन है, जैसे अनाज जो है वो इम्पोर्टेंट हिस्सा अब हमारे डाइट के बन चुके हैं. बिसाइड दे बिगेन वीविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक तो ये काम करती थी, इसके साथ साथ ना अब वो कपड़े भी बुनने लगे. और इसके लिए जो कॉटन, जो कपास है, वो कपास जो जरूरी है उसके कपास जैसे आवश्यक पौधे जो हैं वो उगाए जा सकते थे. सो देयर थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस. तो कह रहे कि क्या ये चेंजेस जो है वो हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? नॉट क्वाइट, ऐसी बात नहीं है. इन मैनी एरियाज मैन एंड वीमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड एंड एल्सवेयर पीपल अडोप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स. कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि सब सभी जगह एक जैसे परिवर्तन चेंजेस आए, एकदम चेंजेस आ गए. एक तरफ जहाँ कई जगहों पर तो जो क्या होते थे, मैन एंड वीमेन होती थी वो शिकार और फूड को कलेक्ट करने का काम करते थे, वहीं दूसरे जो लोग थे, जो और दूसरे लोग थे, उन्होंने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था. सो बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स. सो बहुत जगह पर तो लोग मौसम के मुताबिक ही बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे. नाउ अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहर गढ़. ये स्टूडेंट्स फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप टू. आपको जो पेज नंबर 13 पर मैप 2 दिया हुआ है उसमें मेहरगढ़ को आप ढूंढे.
and this site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important route into Iran. So यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है ईरान के ईरान जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता, ठीक है, ये ईरान जाने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट रूट है, ठीक है, उसमें बोलन बोलन दर्रे के पास एक, ये बोलन के पास एक फर्टाइल प्लेन, मतलब कि एक बड़ा ही उपजाऊ और समतल स्थान जो है, हरा भरा समतल स्थान जो है ये है. ओके, ये जो दिखा रहे हैं मेहरगढ़, एंड मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट एंड रियर शीप एंड गोट्स फॉर फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया. तो अब मेहरगढ़ जो है समझता है वो, ये वो प्लेस है जहाँ के जो मैन वीमेन है उन्होंने इस इलाके में सबसे पहले बार्ले यानी जो वीट गेहूं उगाना और जो रेयर शिप एंड गोट्स यानी भेड़ बकरी को पालना सीखा, सबसे पहले ये वो होंगे. सो इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट. तो अब यहाँ पर जो है एंड इट एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड. इस साइट पर बहुत सारे क्या मिलते हैं आपको, एनिमल बोन्स भी, आपको कई सारे एनिमल बोन्स भी पाए जाते हैं. ठीक, bones of wild animals such as the deer and pig and also bone of sheep and goat were found. अब यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी मिली. इनमें जो हिरन और सुअर जैसे जो जंगली जानवर हैं और भेड़ बकरियों की हड्डियां भी हैं इनके यहाँ पर, ये भी मिली हैं. So other find at मेहरगढ़ include remain of square or rectangular houses. कहते अब बात करें अगर और तो मेहरगढ़ में इनके अलावा जो स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेस, रेक्टेंगुलर जो हाउसेस हैं जो हैं उनके अवशेष भी मिले हैं. एंड ईच हाउस हैड फोर और मोर कंपार्टमेंट सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज. और ये जो क्या है आपके, ये जो उनको मिले हैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले हैं, कहते कि हर एक घर में चार या उससे ज्यादा कमरे हैं जिसमें से संभव कुछ संभवतः है स्टोर करने के लिए काम में आते होंगे. सो व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम. तो कहते कि जब क्या होता होगा, जब लोग मरते हैं उस टाइम पर लोग मरने के बाद जो है ना मृतक के जो रिलेटिव्स होते थे वो उनके वो अपनी ना रिस्पेक्ट मतलब कि दर्शाते थे. एंड पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ एंड बरियल इज वन सच अरेंजमेंट एंड सेवरल बरियल साइट्स हैव फाउंड एट मेहरगढ़. कहते कि वो मृतक के रिस्पेक्ट के जो रिलेटिव्स थे वो मृतक के प्रति अपना रिस्पेक्ट जताते थे और लोगों की ये आस्था थी कि मरने के बाद भी जीवन होता है. इसीलिए वो क्या करते थे, जो कब्र होती थी ना कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सम्मान भी रखे जाते थे. ओके, सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़. इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बरियड विद गोट्स व्हिच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. कहते कि उनको ये था कि भी मृतक जो होते हैं मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए जो कब्रों में जो मृतक होते हैं उनके साथ वो कुछ सामान भी रख देते थे. जैसे कि मेहरगढ़ में ना ऐसी कई कब्रें मिली हैं जबकि जब एक कब्र में तो एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था. संभवतः इसे जो है ना परलोक में जो मरने वाला है उसके खाने के लिए रखा गया होगा. ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे पिक्चर देख रहे हैं, देखिए ये देखें. So a house in Mehrgarh, this is what a house in Mehrgarh may have looked like and in what ways in his house is similarly to the one in which you live. So आप बरियल देखिए यहाँ पर जो है आपके पास, ये देखिए ये एक बरियल जो है कब्र है वो है और इस कब्र के अंदर आप देख रहे हैं ये एक इंसान है और ये उसके साथ जो एक बांधे हुए हैं और चीजें. So बरियल फ्रॉम मेहरगढ़ कैन यू आइडेंटिफाई स्केलेटन ऑफ द
गोट, क्या तुम इसमें से गोट को स्केल्टन को आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो साफ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से वो करते थे, तो ये मिले भी हैं ये हमें। सो नाउ एल्समियर केव पेंटिंग इन फ्रांस, फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, अपने एटलस से फ्रांस को ढूंढिए। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम द फॉर्मर केव इन फ्रांस। ये जो चित्र है ये फ्रांस की गुफा का है, ओके। एंड दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय फोर स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 इयर्स एगो। और ये जो चित्र जो आप देख रहे हो, तो इस तरह का ये जो चित्र है ये कब है, ये वो कह रहे हैं कि इस ये जो आपके पास साइट, ये वाली जो साइट है ना, इसकी खोज नियर अबाउट 100 इयर्स एगो 4 स्कूली छात्रों ने की थी, ओके। एंड पेंटिंग लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 इयर्स एगो। और इस तरह के चित्र जो होते हैं ना, नियर अबाउट 20,000 इयर्स पहले से लेकर 10,000 ईयर पहले के बीच के बनाए गए होंगे, ऐसा ये माना गया है। एंड मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेस और कॉस, एंड मतलब ये को क्या होता है, एन ओल्डर एनिमल एनिमल सच एज वाइल्ड हॉर्सेस, सॉरी ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल, ये कैटल की वाइल्ड फॉर्म होती है। एंड बाइसन, मूली, रियानोसोरस एंड उसके बाद रेनडियर एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इस पिक्चर में, इसमें कई तरह के जानवरों के चित्र हैं, इसमें जो जंगली घोड़े भी हैं, गायें, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारासिंगा और सुअर को गहरे और चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। एंड दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ओकर और आयरन और एंड चारकोल। तो इन रंगों को किससे, आयरन ओर से और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। एंड इट इज पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। और ये कहा जाता है कि ये संभव है कि इन चित्रों को किसी ओकेजन के अवसर ओकेजन पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।